गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बेट द्वारका मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा की। सिर में फूल वाली टोकरी लेकर बेट द्वारका मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री, मंदिर में आरती के साथ परिक्रमा भी की। पीएम मोदी ने बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया, सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में काटा फीता। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु पर वॉक भी किया, ब्रिज का लिया जायजा, लोगों को हाथ हिला करके अभिवादन। बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु से तीर्थ यात्रियों को सुविधा के साथ समय की बचत भी होगी, पहले यहां तक पहुंचने के लिए फेरी और बोट पर निर्भर थे। बेट द्वारका के बाद सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, भगवान द्वारकाधीश का करेंगे दर्शन। द्वारका में दोपहर 1 बजे 4,150 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। द्वारका के बाद दोपहर 3:30 बजे एम्स राजकोट जाएंगे पीएम मोदी, शाम 4:30 बजे रिसकोर्स मैदान में 8,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात से ही आज पीएम मोदी एम्स रायबरेली का लोकार्पण करेंगे, 15 जिलों में बने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास होगा। सीएम योगी और स्मृति ईरानी उस वक्त रायबरेली में मौजूद रहेंगे। शनिवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने जामनगर में किया रोड शो। पीएम मोदी आज एक बार फिर से सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात का कार्यक्रम करेंगे, इस कार्यक्रम का ये 110वां एपिसोड होगा। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 34,427 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब किसान युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। पीएम ने कहा मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव पर बोले पीएम मोदी, चुनाव में मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचेगी बीजेपी। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ग्वालियर में लेंगे लोकसभा सीटों की प्रबंध समिति की बैठक, खजुराहो में भी बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज भोपाल भी जाएंगे अमित शाह, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं के 3 लाभार्थी परिवारों से भी संपर्क। चुनाव की तारीख आने से पहले बीजेपी यूपी में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कोर कमेटी ने बनाई कमजोर सीटों पर रणनीति। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने की बैठक, राज्यों में प्रभारियों से लिया रिपोर्ट। बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी तेलंगाना बंगाल समेत 6 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक, हारी हुई सीटों पर हुई चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी आगरा, राहुल गांधी की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी जुड़ेंगी। आगरा से पहले अलीगढ़ में यात्रा करेंगे राहुल गांधी, उसके बाद हाथरस पहुंचेंगे, दोनों जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। आगरा में राहुल और प्रियंका की जनसभा में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी होंगे शामिल, अखिलेश ने यात्रा को पीडीए यात्रा बताया है। राहुल की यात्रा में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, पीएल पुनिया रहेंगे मौजूद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और योगेंद्र यादव भी लेंगे हिस्सा। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा कि 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है सुनवाई। प्रियंका गांधी पर बीजेपी पर बड़ा हमला, किसानों को जीप से रौंदने वालों और पेपर लीक केस में पैसा खाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। मुरादाबाद में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है, उसे अंतिम रूप देने में समय लगा। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी दुविधा में, हाँ या ना, मैं जल्दी फैसला करना चाहूंगा। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अधीर रंजन को दिया जवाब, कहा पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान, दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस के खाते में 3। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कुरुक्षेत्र सीट पर आप लड़ेगी चुनाव। गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, भावनगर और भरूच लोकसभा सीट आपके लिए छोड़ा। भरूच लोकसभा सीट आपके खाते में आने पर बोले आप उम्मीदवार चैतर वसावा, भरूच से बीजेपी को हराएंगे। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल की बेटी नाराज, कहा अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, भरूच सीट आपको देना अहमद पटेल की लेगेसी के खत्म। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, ये सिर्फ दिखावा है। दिल्ली बीजेपी विधायक रामवीर सिंह भदौड़ी बोले आप कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान खुर्शीद की नाराजगी पर बोले अखिलेश यादव वो बड़े नेता है, उम्मीद है कि फरुखाबाद सीट पर सभा को करेंगे समर्थन। यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे बोले सलमान खुर्शीद ने गलत बात नहीं कही है लेकिन गठबंधन में कुछ छोड़ना पड़ता है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का दावा, असम लोकसभा की 3 सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस को करेंगे सपोर्ट। हिमाचल के हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। चुनाव से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका, 3 बार की विधायक एस विजयधारिणी बीजेपी में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बोले तेलंगाना बीजेपी की संकल्प यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं हो रही शामिल।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च हुआ। एनसीपी शरद गुट को सिंबल मिला है तुरही बजाता हुआ व्यक्ति। शरद पवार पर भड़के एमएनएस चीफ राज ठाकरे, कहा वोट हासिल करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी का ले रहे नाम। बारामती से सुप्रिया सुले ने चुनौती देने को तैयार, 2 मार्च को होगी महायुति की रैली। सीएम शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस होंगे शामिल। वंचित बहुजन अघाड़ी की महाविकास अघाड़ी से मांग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की दे जानकारी ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। आज मुंबई के मीरा रोड में बीजेपी नेता टी राजा की होगी रैली। सपा नेता अबू आजमी की अपील, टी राजा के जहरीले भाषण को करेंगे रिकॉर्ड। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक, पीर पंजाल रीजन के नेताओं के साथ तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, तमिलनाडु की ज्यादातर पार्टियां सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा, सीएम योगी ने ऐलान किया। सीएम योगी की 2 टूक नकल करवाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की होगी जांच। सीएम योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए हुए थे। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत हुई। युवाओं की ताकत के सामने झुकेगी योगी सरकार, कल तक पेपर लीक पर झूठ बोल रही थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहा है बुलडोजर। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, योगी सरकार युवाओं के सपने से कर रही है खिलवाड़, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती। अपना दल का मेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की मांग, अगले 15 दिन या लोकसभा चुनाव से पहले होनी चाहिए परीक्षा। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ में अलग अलग सेवाओं में चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, 1800 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति। गया में तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा के दौरान कहा, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर सकते हैं तो अगर एक मौका तेजस्वी को मिला तो हर बेरोजगार के दुख को दूर करेंगे। जम्मू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से आज अवगत किया जाएगा। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच का स्थगित किया। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से फिर से खोला गया। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से करीब 2 हफ्ते से पूरी तरह सील था। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, उनके हक की जहां बात होगी हम उनके साथ खड़े। संदेश काले के बिरमाजूर में पुलिस ने बनाया सहायता केंद्र, लोगों ने शाहजहां और उसके भाई पर जमीन कब्जाने की शिकायत की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि संदेश काले में महिलाओं पर अत्याचार की बात गलत। संदेश काले के लोगों को मंत्री पार्थ भौमिक ने दिया भरोसा, कहा जिनकी भी जमीन छीनी गई वापस लौटाई जाएगी। संदेश काले की जनता से बशीरहाट के एसपी की अपील, अपनी शिकायत की जानकारी पुलिस को दे, जानकारी दोषियों को कानूनी कार्रवाई हो। संदेश काले की घटना पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संदेश काले में महिलाओं पर अत्याचार की जानकारी सीएम ममता को दी थी, वो जल्द इस्तीफा, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की बात। संदेश खाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, ममता सरकार कुछ छिपाने की कर रही कोशिश। संदेश खाली के लोगों से बातचीत के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि हम यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, केंद्र ने जारी की अधिसूचना की खबर। मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी गेट नंबर 2 के पास दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली के औली में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। पेड़ों और मकानों पर दिखी बर्फ की मोटी परत, लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट। अयोध्या में भारी तादाद में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी, राम मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन के लिए सुबह सुबह जुटे भीड़। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में मनाई गई होली, भक्तों ने जमकर उड़ाए गुलाल और अभी। रांची टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, पहली पारी में 7 विकेट खोकर 219 रन पर स्टंप्स तक, ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद। इंग्लैंड से पहली पारी में अब भी 134 रन पीछे टीम इंडिया, तीसरे दिन विकेट पर रुक कर करनी होगी बैटिंग। जुरेल और कुलदीप ने संभाली भारत की पारी, 177 रन पर 7 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी टीम इंडिया, दोनों ने 8वें विकेट के लिए 42 रन जोड़े। भारत को पारी की शुरुआत में ही लगा बड़ा झटका, कप्तान रोहित शर्मा 4 रन के स्कोर पर, जेम्स एंडरसन का बने शिकार, रोहित 2 रन बनाकर हुए आउट। भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल एक तरफ से जमे रहे, यशस्वी 73 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर हुए बोल्ड, यशस्वी और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 78 रनों की पारी खेली। यशस्वी के अलावा भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 38 रनों की पारी खेली, रजत पाटीदार 17 और सरफराज खान ने 14 रनों की पारी खेली, जडेजा ने 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के शोएब बशीर ने की शानदार गेंदबाजी, बशीर के सामने भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया, शोएब ने 4 विकेट झटके, टॉम हॉटल ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, जेम्स एंडरसन को 1 विकेट। इंग्लैंड की पारी पहले दिन के अपने स्कोर 302 रन के आगे खेलते हुए 353 रनों पर सिमटी, रॉबिन्सन और जो रूट ने विकेट बचाकर पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली, रॉबिन्सन ने 58 रन बनाए, इंग्लैंड के 6 रन के भीतर गिरे आखिरी 3 विकेट। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके, आकाशदीप ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, मोहम्मद सिराज को 2 और रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला।